हमारा दिल हमें जीवित रखने के लिए 24 घंटे मेहनत करता है, लेकिन उन 24 घंटों में हम कितनी बार अपने दिल के बारे में सोचते हैं, ये विचार करने वाली बात है। चलिए आज थोड़ा सा समय निकालते हैं और अपने दिल की सेहत की बात करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश यादव, आपका स्वागत है। आप हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एम्स दिल्ली से। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर अशोक गुप्ता का, नमस्कार। आप कार्डियक सर्जन हैं दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट से। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे है और इस बार की थीम है यूज योर हार्ट फॉर एक्शन। तो किस एक्शन की बात कर रहे हैं, क्या एक्शन लें हम? देखिए, दोनों तरह के एक्शन है। एक्शन से हार्ट को कैसे बचाएं और हार्ट के लिए क्या क्या एक्शन करें। तो एक, जैसे हमेशा कहते हैं कि चलते रहें, जैसे दिल चलता रहता है वैसे टांगों को चलाते रहें। तो सबसे बड़ा जो आज के समय सिडेटरी हैबिट पे हम चर्चा करते हैं कि हमारी आदत बहुत सिडेटरी हो गई है, तो अगर हृदय स्वस्थ रखना है तो चलते रहें, किसी तरह का एक्सरसाइज करें। आप योगा करते हैं, योगा करें। आप खेलते हैं, आप खेलें। आप दौड़ते हैं, आप दौड़ें। आप चलते हैं, आप चलें। बट इतना याद रखिए, शरीर की हड्डियों को, ज्वाइंट को और मसल को काम करने दीजिए। ये काम करते रहेंगे तो हृदय स्वस्थ रहेगा। और दूसरा है, हृदय के लिए भी एक्शन करें। एक्शन क्या करें? जो हमेशा कहते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल करें, स्मोकिंग मत करें, अच्छी सोएं, अच्छे विचार रखें, अच्छा खाएं। तो ये एक दोनों तरफ से है, हार्ट के लिए एक्शन बहुत जरूरी जी। तो हेल्दी हार्ट के लिए प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना रखें, आप एक्सरसाइज जरूर करें, अच्छा खान पान। डॉक्टर अशोक, क्योंकि आप कार्डियक सर्जन हैं और जनता ये जान के बहुत हर्ष महसूस करेगी कि 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण खोज थी हार्ट एंड लंग मशीन, इस मशीन के आने से ही कहें कि कार्डियक सर्जरी संभव हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1953 में मिस्टर गिब्बन ने हार्ट लंग मशीन का ईजाद किया था, तभी से कार्डियक सर्जरी उसमें पॉसिबल हुई। इसके पहले कार्डियक सर्जरी पॉसिबल नहीं थी जी। तो ये एक ओपन हार्ट सर्जरी विधि थी जिसमें हार्ट और लंग को रेस्ट दे देते थे और हार्ट के अंदर जो भी परेशान, जो भी बीमारियां या जो भी माल वो थे उनको ठीक करने का एक तरीका निकला जी। अगर आपके भी अपने दिल से जुड़े कुछ सवाल हैं, कुछ दुविधाएं हैं, तो आप बेझिझक कॉल करके वो हमारे विशेषज्ञों से जान सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 011-2309-7532। 011 दिल्ली का एसटीडी कोड एंड द नंबर इज 2309-7532। डॉक्टर यादव, कोरोनरी डिजीज़ आजकल बहुत कॉमन है, तो अगर आर्टरी में ब्लॉकेज है, कब है कि कार्डियोलॉजिस्ट स्टेंट के लिए एडवाइस करता है? देखिए, एक बहुत बड़ी मिथ्या आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि अक्सर कार्डियोलॉजिस्ट मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए, आपको अगर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो उसका पहला इलाज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाएं। दवाओं में हमने जो ब्लड थिनर कहते हैं, जो एंटी प्लेटलेट होती है, स्टैटिन होती है, बीटा ब्लॉकर होती है, एंटी एंजाइनल होती है, अगर उसके बावजूद भी आपके सिम्टम ट्रबलसम है तो ही इंटरवेंशन का फायदा होता है। ये बहुत क्लियर प्रूवन है कि बहुत मेन आर्टरी में अगर नैरोइंग ना हो तो, अगर स्टेबल एंजाइना है तो आप दवाओं पे भी आराम से रह सकते हैं। दिमाग में ये भ्रम मत पालिए कि नहीं कराएंगे एंजियोप्लास्टी तो मर जाएंगे। एंजियोप्लास्टी का रोल है एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम में, जब आपको एक्यूट हार्ट अटैक हो रहा है, वो भी समय बंद, वो भी अगर 6 घंटे में कराते हैं, मैक्सिमम 12 घंटे में कराते हैं, तो ये नहीं कि आज पेन हुआ 3 दिन बाद बल आर्टरी खोल लें तो फायदा होगा। तो आम पब्लिक को ये मैसेज बहुत जरूरी है कि स्टेबल जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसमें दवाएं और लाइफस्टाइल से ज्यादा फायदा होता है। तो कृपया भागे नहीं, डरे नहीं, डराया ना जाए कि स्टंट डाल दो नहीं तो मर जाएंगे। ये सिर्फ फायदा होता है जब आपको एक्यूट हार्ट अटैक पड़ रहा है जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ओके, माय क्वेश्चन टू योर एक्सपर्ट इज कि पोस्ट कोविड देयर हैज बीन अ राइज इन कार्डियक अरेस्ट, और हार्ट से रिलेटेड जो दो मेन डिसऑर्डर्स है, एक होता है कार्डियक अरेस्ट और एक होता है हार्ट अटैक। तो कार्डियक अरेस्ट इज मोर डेंजरस देन हार्ट अटैक, एज मतलब कि योर एक्सपर्ट विल आल्सो मी टेल कि कार्डियक अरेस्ट जो है ज्यादा डेंजरस है हार्ट अटैक से। तो टू चेंज आवर लाइफ स्टाइल, क्या हम एसी के यूज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? कैन वी रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ एयर कंडीशनर एंड प्रमोट एयर कूलर लाइक इन विच विंडोज आर ओपन, बिकॉज कंडीशनर में तो विंडोज बंद रहते हैं, तो उसमें अगर हम एक्सपोजर से जो है
एयर एक्सपोजर ज्यादा रखेंगे तो फिर हर्ट विल गेट द फ्रेश एयर. थैंक यू. सो दैट्स व्हाट मींस नहीं देखिए टू प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट. पहली बात है ये बहुत कुछ सच है कि कोविड के बाद हृदय की प्रॉब्लम बढ़ी है और बहुत तरह से बढ़ी है. हार्ट अटैक बढ़ा है, सडन कार्डियक डेथ बढ़ी है, आपको ऑटोनोमस डिसफंक्शन बढ़ा है. बट बहुत चीज़ें हमें मिथ्या नहीं पालनी चाहिए कि एसी का उपयोग कम करें तो हार्ट अटैक कम होगा, बाहर की हवा में जाएंगे तो हार्ट अटैक कम होगा, घर में बंद करके ना रखें. हाँ, घर के अंदर की भी एयर नॉन पॉल्यूटेड रखें. एयर कंडीशनिंग ये बिल्कुल सही है कि हमें बहुत एक नॉर्मल टेम्परेचर में जीना चाहिए. एक्सट्रीम कोल्ड भी शरीर के लिए खराब है, एक्सट्रीम हॉट भी शरीर के खिलाफ है. हाँ, एसी का इन्वायरमेंटल इफेक्ट दूसरा है, उस पर मैं डिबेट बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि आपको मालूम है ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेट है कि एसी का इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है. बट अगर आप एसी में रहते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपको हार्ट अटैक हो जाएगा. बट याद रखिए, अगर आप एसी में रहते हैं ना तो फिर आप चलते नहीं है. एसी वाले चलते नहीं. और चलने की बात आज हम कर रहे हैं कि चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए. डॉक्टर महंती, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है जो हृदय रोगी हैं उनको पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए. जी जी, पानी का जो सवाल है हम पूछेंगे, डॉक्टर साहब हमसे जुड़ेंगे ऑनलाइन वापस. लेकिन डॉक्टर अशोक जी, आपने कहा कि कार्डियक सर्जरी से बहुत से मेलफंक्शन अब हम ट्रीट कर सकते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं दिल की जो सर्जरी से फिर ट्रीटमेंट मिलता है? जो हार्ट में जो बीमारियां होती हैं, एक तो कॉर्नियर आर्टरी डिजीज जो ब्लॉक अभी कर रहे थे जिसमें डॉक्टर साहब बता रहे थे एक्यूट, उसमें जो है एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं. जब कॉर्नियर आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है तो उनको बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती है. जब वाल्व खराब हो जाते हैं तो या तो वो रिपेयर हो सकते हैं या रिप्लेसमेंट हो सकते हैं. एंड बाई बर्थ कुछ बीमारियां होती हैं जिनको कंजनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं. तो उनको जो है करेक्ट टाइमली करेक्ट किया जाए तो वो क्यूरेबल हो जाता है. तो डॉक्टर साहब, जब आप ये सर्जरी करते हैं, हम कहते हैं जी ओपन हार्ट सर्जरी, आजकल तो रोबोटिक सर्जरी को भी सुनने को मिलता है, तो आप रोबोटिक सर्जरी का कितना रोल देखते हैं हार्ट सर्जरी में? बिल्कुल, कमिंग टाइम में देयर विल बी द रोल बट नॉट इन ऑल द कार्डियक डिजीज. रोबोटिक से प्रिसीजन, एक्यूरेसी और ब्लड लॉस कम होते हैं, छोटा स्कार होता है, रिकवरी जल्दी होती है. बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द केस. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उपलब्ध तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन चलना और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. उसी तरीके से नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द प्रॉब्लम बट डेफिनेटली रोबोटिक इज गोइंग टू कम इन बिग वे. जी डॉक्टर, बीपी ब्लड प्रेशर, आपको पानी के बारे में भी बोल देते हैं. ये बिल्कुल सही, आपने क्वेश्चन पूछा, जवाब नहीं मिला. पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए, एक बहुत गलत कंसेप्ट है 6 लीटर 8 लीटर 10 लीटर पानी पीना. एक नॉर्मल इंसान को जो बहुत ज्यादा पसीने में नहीं जाता, 2 लीटर पानी बहुत सफिशियंट है. बिकॉज पानी के साथ भी आप बहुत पीते हैं. हम कहते हैं कि 1.5 लीटर अगर यूरिन बन रही है तो आपके बॉडी के लिए सही है. और स्पेशली जिनका हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं उनको तो बाबा पानी रेस्ट्रिक्ट रखना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा नहीं पीना चाहिए. होता क्या, आप हार्ट पेशाब की दवा देते हैं, प्यास ज्यादा लगती, ज्यादा पानी पीते. तो पानी हृदय रोगियों के लिए कृपया करके व्हाट्सएप ज्ञान से ना पिए, अपने डॉक्टर से एडवाइस लें कि हमें ज्यादा पीना चाहिए. ब्लड प्रेशर किस तरीके से रिलेटेड है हमारे हार्ट प्रॉब्लम से? देखिए, ब्लड में प्रेशर तो जरूर होगा, बिना प्रेशर के तो जिंदा ही नहीं रह सकता. तो ब्लड प्रेशर वर्ड यूज मत कीजिए, ज्यादा ब्लड प्रेशर वर्ड यूज, ज्यादा भी और लो भी, दोनों के बारे में. यूजली अगर किसी सेकेंडरी कॉज से है तो नुकसानदेह है, बट अगर आपका बीपी 90/60 रहता है तो आप लंबा जिएंगे ये मान लीजिए. तो अगर लो ब्लड प्रेशर किसी और कारण से है, डिहाइड्रेशन से है, कुछ और कारण है, आपकी आर्टरी में नैरोइंग इसलिए बीपी मेजर नहीं हो रहा है, वो नुकसानदेह है. बट अगर आपका नॉर्मल लो रहता है तो आप खुश नसीब हैं. हाई ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक है. हमेशा याद रखिए कि ब्लड प्रेशर सिर्फ बाल को अफेक्ट नहीं करता, हाँ बाल को भी करता, अगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल है, ये माना जाता है बाल भी झड़ते हैं. बाल से लेकर नाखून तक शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर अफेक्ट नहीं करता है. ये एक साइलेंट किलर है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है. और मान लीजिए 25% एडल्ट पॉपुलेशन में ये पाया जाता है, 60 के ऊपर 40% में पाया जाता है. तो ब्लड प्रेशर हमेशा याद रखिए. और एक मैं हमेशा कहता हूं, घर में मेजर करने की आदत डालिए. अब तो हम इंकरेज कर रहे हैं कि हर घर में ब्लड प्रेशर मशीन होना चाहिए, लेकिन पागलपन नहीं होना चाहिए हर घंटे नाप रहे हैं. हमेशा नापिए, अगर नॉर्मल है तो हफ्ते में एक बार नापिए, बुजुर्गों को नापिए और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए, ये बहुत आवश्यक है. जी, तो डॉक्टर अशोक, अगर खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट को हम कहते हैं जी बाईपास कराओ, क्योंकि घबराहट तो लाजमी है, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं? क्योंकि घबराहट दूर करनी बहुत ज़रूरी है, मेंटल मेकअप ज़रूरी है सर्जरी से पहले. हम उनको शो करते हैं एंजियोग्राफी में कहाँ कहाँ ब्लॉक हैं, जैसे मल्टीपल ब्लॉक होते हैं और तीनों नसों में ब्लॉक आता है, कहाँ पे उसमें भी जो किस प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है या मिड में है,
तो उसके अकॉर्डिंगली उनको एजुकेट करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, साइंटिफिक डाटा से कंपेयर करने का उनको वो करते हैं, और बहुत नहीं मानते हैं तो जैसे हम तो जैसे एक दो रोज ही ऑपरेशन होते हैं, हमारा आईसीयू है, पेशेंट दिखाने आया और पोस्ट ऑप फॉलोअप वाले पेशेंट, तो हम उनको मिलवा देते हैं। सक्सेसफुल पेशेंट जो है वो अपनी बात खुद रखते हैं, खुद रखते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, सवाल पूछिए। सर मुझे ये जानना है भाई, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है, और इन दोनों के लिए हम इंस्टेंटली पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं? थैंक यू डॉक्टर साहब। फर्क और फर्स्ट एड, देखिए कार्डियक अरेस्ट हम मानते हैं कि जब हार्ट या तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण पंप करना बंद कर दे या हाल में हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन बंद हो जाए। हार्ट अटैक को हम यूजुअली एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के नाम से जानते हैं, उसको हार्ट अटैक में जब आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये याद रखिए कार्डियक अरेस्ट का एक इंपॉर्टेंट कारण हार्ट अटैक है, लेकिन सारे हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट हो जाए ये भी ठीक नहीं है। यूजुअली ये माना जाता है कि 20% मरीज जिनको घर में हार्ट अटैक होता है वो कार्डियक अरेस्ट और अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो हार्ट अटैक जो है वो एक्यूट, जो हम एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम को कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट जब बिल्कुल मरीज बेहोश होकर गिर जाए। तो कार्डियक अरेस्ट के लिए इलाज क्या है? अर्जेंट सीपीआर, ओके, और सीपीआर भी ढंग से करें, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है तुरंत मेडिकल एड लें, या तो एम्बुलेंस कॉल करें या अस्पताल ले जाएं। मुंह में पानी डालना ये सब नहीं होना चाहिए, छींटे मारना ये सब गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, बलूनिंग किस तरीके की प्रक्रिया है, उसका कब प्रयोग होता है? बैलूनिंग, ये जो स्टेंटिंग होती है उसको भी बैलूनिंग बोलते हैं, और जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं आईवीपी इंट्राओटिक बलून पंप होता है। जब हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाती है और अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं करता है और आइनोट्रॉप या दवाइयों से उसका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज ए मैकेनिकल डिवाइस जो आर्टरी में डाल के एक आईवीपी जो होता है वो पंप करते हैं, उससे कार्डियक आउटपुट जो है 20% के करीब वो सपोर्ट करता है। ओके, पिंकी है इस समय दिल्ली से फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार सर। सर मेरा है ना फरवरी में हार्ट अटैक आ गया था, तो उसकी वजह से हार्ट पे इफेक्ट आके 40-45% वर्क कर रहा है, तो क्या मेरा ये थोड़ा ग्रो कर सकता है, धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा ये वर्क? आपकी उम्र कितनी है पिंकी जी? डॉक्टर यादव, हाँ बिल्कुल है। देखिए हार्ट अटैक के बाद अगर हार्ट का वो पार्ट बिल्कुल डेड हो गया, मतलब आपने इलाज ही ढंग से नहीं कराया, लेट पहुंचे, तो हार्ट मसल जो डेड हो जाती है वो कभी रिकवर नहीं करता। ओके, जो पार्शियल डेड होती है वो रिकवर कर जाती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं गोल्डन पीरियड हार्ट अटैक में 6 घंटे के अंदर पहुंच जाइए। जितना जल्दी पहुंचेंगे, जितनी जल्दी आपकी वो आर्टरी खोली जाएगी उतना हार्ट बचेगा। तो हार्ट में कहा जाता है कि जो डेड हो गया वो कभी रिकवर नहीं करता। पर फर्स्ट एड में आपने कार्डियक अरेस्ट के लिए तो सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन कहा, और हम सभी सीपीआर सीखें, हार्ट अटैक में कई बार कहते हैं गोली रख लो जीभ के नीचे। नहीं, देखिए बिल्कुल एक गलत कंसेप्ट है वो, हम हमेशा एनकरेज करते हैं कि आप एस्प्रिन लीजिए। जब तक आपका ब्लड प्रेशर नहीं मेजर है सॉर्बिट्रेट कभी मत लीजिए। सॉर्बिट्रेट जेब में रखना बंद कर दीजिए। एक्यूट हार्ट अटैक में सॉर्बिट्रेट ने बहुत नुकसान शो किया क्योंकि ब्लड प्रेशर कम कर देता है। लेना भी अगर आपको सस्पिशन है मुझे एक्यूट हार्ट अटैक हो रहा है तो डिस्प्रिन डिसॉल्व जो है डिस्प्रिन होती है वो एक गोली ले लीजिए, उससे सबसे ज्यादा फायदा होता है। जी डॉक्टर, अगर बच्चों की बात करें, कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि पैदा होने के बाद पता चलता है बच्चे के हार्ट में छेद है, तो ऐसे में क्या कुछ ऑप्शंस होती हैं, किस तरीके से उसे क्योर किया जा सकता है? हाँ, हम उसको डायग्नोस करेंगे कि हार्ट के किस चेंबर में छेद है। ऊपर वाले में छेद है तो उसको ASD एटियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, अगर नीचे वाले में छेद है तो VSD बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। कितना सेंट है, कितना वो है, और उसके साथ और भी कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है, तो पूरा असेस करने के बाद हम उसको एडवाइस करते हैं कि वो ऑपरेशन करवा ले। कुछ ऑपरेशन जो है उनको हम 3-4 साल तक वेट कर सकते हैं, और यूजुअली हम ये एडवाइस करते हैं जो अर्लीस्ट वाले हैं जिनमें एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है उसको अर्लीस्ट करवा लें, और नहीं तो बाकी स्कूल जाने के पहले सारे ये करेक्ट हो जाने चाहिए। जी डॉक्टर सुबेंदु, जो स्टेंट डालने की प्रक्रिया है, एक अगर ब्लॉकेज ज़्यादा हो, मल्टीपल ब्लॉकेज हो, तो कितने हम स्टेंट डाल सकते हैं, और साथ ही डॉक्टर यादव कितने स्टेंट डाले जा सकते हैं, क्या स्टेंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा या इसमें पेशेंट का भी रोल रहता है? देखिए बिल्कुल है, स्टेंट आप जितने चाहे डाल लें, हमें मालूम होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होगा। आप 10 स्टेंट डाल लें और उसके बाद अगले एक साल में उसमें आधे बंद हो जाएं, तो हमारे में बहुत क्लियर डिफाइंड है, आप डायबिटिक हैं, आपको ज्यादा नसों में रुकावट है तो बाईपास से ज्यादा फायदा होता है,
आपकी लेफ्ट मेन डिजीज है, बाईपास से ज्यादा फायदा होता है। तो स्टेंटोमीनिया से मैं कहता हूं एक्सेसिव स्टेंट डालना कोई इलाज रोक का नहीं है, रादर इलाज बढ़ाना है। तो स्टेंट डालना तो आसान है और बहुत तरह के स्टेंट आजकल आ गए मार्केट में, मानिए तो 100 वैरायटी के स्टेंट है। हर स्टेंट क्लेम करता है कि मेरा उससे अच्छा स्टेंट है, बट ये बिल्कुल सच है कि स्टेंट का चॉइस डॉक्टर ही करता है। मरीजों पर ऑप्शन कम देते तो हैं लेकिन ऐसा देते हैं कि जो डॉक्टर चाहता है मरीज वही स्टेंट एक्सेप्ट करता है। तो वैरायटीज बहुत है, बट ये मत मानिए कि जिसे हम स्टेंटोमीनिया कहते हैं कि अगर आपके तीनों नसों में रुकावट है, आपके लंबे लंबे लीजन है, आप डायबिटिक है, तो कृपया करके स्टेंटोमीनिया में ना फंसे। बाईपास के लॉन्ग टर्म आउटकम ज्यादा बेटर और ये स्टडियों ने प्रूव कर दिया है। तो हमारे यहाँ बहुत क्लियर गाइडलाइंस है और गाइडलाइन फॉलो करेंगे तो पेशेंट का बाईपास ही बताइए, अगर किसी पेशेंट की बाईपास हुई ऑपरेशन कितना बड़ा होता है और फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद क्या डूज एंड डोंट्स हैं? ऑपरेशन तो मेजर है लेकिन एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस के साथ में, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट इन सब चीज़ों के साथ में अब उतना नहीं वो रहा है, लेस देन 1% के मॉर्टलिटी हम लोग कोट करते हैं। और ऑपरेशन जो है 3-4 घंटे का होता है, एनेस्थीसिया टाइम बहुत सारी लाइनें लगती हैं, तो हम 4-5 घंटे के लिए ओटी के टाइम को बोलते हैं। उसके बाद जो है आईसीयू में शिफ्ट करते हैं और वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है, वॉच करते हैं सारे वाइटल, ब्लीडिंग ये सब तो नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो 5-6 घंटे में एक्सट्यूबेट हो जाता है पेशेंट और उसके नेक्स्ट डे अपने डे टू डे सारी चीज़ें कर पाता है। एक या दो दिन तक आईसीयू में रखने के बाद 5 डेज इन हॉस्पिटल और 7 डेज में उसकी छुट्टी हो जाती है अस्पताल से ऑफिस। और ऑफिस जो है ये जो ब्रेस्ट पेन होती है इसको 4-6 वीक जुड़ने में लगते हैं, उसके बाद कम्प्लीटली वो जो है नॉर्मल हो जाता है टू रिज्यूम हिज डे टू डे एक्टिविटी ऑफिस व्हाटएवर इट इज। जी, जो हार्ट पेशेंट्स हैं जिनको पता है कि हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, तो क्या कुछ मेजर्स उनको रखने चाहिए, क्या कोई दवाइयाँ कुछ ऐसी कुछ चीज़ें उनके पास हमेशा होनी चाहिए? देखिए पहली तो उससे कैसे पता उसको हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक तो मुझे भी यहाँ आ सकता है। हार्ट अटैक आने का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, ये मानिए मेजॉरिटी ऑफ दी हार्ट अटैक, अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक है तो उसमें 70 लोगों में आर्टरी 20-30% नैरोइंग होगी, उनको कोई सिम्टम नहीं होता है। अच्छा। और रप्चर उसका मैकेनिज्म है। तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रेडिक्टिव वैल्यू नहीं है, कोई हाथ की रेखाएं नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है जो प्रेडिक्ट कर सके कि एक नॉर्मल इंसान को हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा। हाँ, जिन लोगों को एंजाइना बहुत ज्यादा हो रहा, थोड़ा चल रहे हैं, दर्द हो रहा है, रेस्ट पेन हो रहा है, उनको संभावनाएं बहुत ज्यादा है, तो उनका पहला काम है डॉक्टर के पास जाइए, अपनी बिल्कुल इलाज मत करिए। और तीसरा, हार्ट अटैक आप कैसे मानेंगे कि मुझे होगा? आप सिगरेट पिएंगे आपको जरूर होगा, आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल है जरूर होगा, आपका ब्लड प्रेशर 180 जरूर होगा, आप जंक फूड खाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आप ओबीस है, आपको जरूर होगा। तो ये है कि आपको होगा लेकिन आप नहीं जानते, इसलिए एक्शन लेना जरूरी है। डॉक्टर साहब, जब हम 10th क्लास में थे तो बायोलॉजी में हार्ट का डायग्राम बनाया था हमने भी, और हमें पता है कि 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। आजकल एक और वर्ड सुनने में आता है LVAD, लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्टेड डिवाइस, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्टेंट डिवाइस आर्टिफिशियल हार्ट का रोल अदा करती है। जैसे नीचे वाले दो चैम्बर RV और LV होता है, तो जब LV बहुत ही ज़्यादा कम हो सकता है, जैसे पेशेंट अभी बता रहे थे कि हमारा 40-42% पंपिंग पावर रह गई है, नॉर्मल 55-60% पंपिंग एजेक्शन फ्रैक्शन होता है, उसको हम नॉर्मल फंक्शनिंग बोलते हैं। तो ये जब अगर कम हो जाता है और 15-20% रह जाता है, पेशेंट जो है डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाता है, सारे मेजर्स फेल हो जाते हैं, उसका बाईपास सर्जरी हो गई, उसके वाल भी ठीक हो गए, वाट एवर द प्रॉब्लम की वजह से जो वो काम नहीं कर पाता है, पेशेंट की सांस फूलती है अपने, तो तब उस कंडीशन में हम लोग उसको एडवाइस करते हैं। उस स्टेज में जो है या तो हम आर्टिफिशियल हार्ट एडवाइस करें या जो है हम ट्रांसप्लांट एडवाइस करें। तो LVAD जो है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस जो है, ये LV जो हमारा जो मेन चैम्बर है उसको सपोर्ट करता है और पेशेंट उसके बाद ठीक से रह पाता जी। यानी कि मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, हार्ट एंडिंग मशीन को लेकर 70 साल से ऊपर हो गए, अच्छा सक्सेस रेट है, लेकिन अगर आप हृदय की स्वस्थ रहने में एक्शन लेंगे तो हमें डॉक्टर्स के पास जाना ही नहीं पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन से काम चल जाएगा। आज ये बताने के लिए डॉक्टर यादव आपका, डॉक्टर अशोक आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।